हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चिकीज बायोलॉजी अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आज आप लोगों के साथ मैं बात करूंगा कि फार्मा कंपनी में टेंडर और कंपनी रोल में से कौन से रोल की जॉब बेस्ट होती है और क्यों। इस पे आज हम लोग इन डिटेल अपनी इस वीडियो में बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों को ये यहाँ पे समझना है कि कौन से रोल की जॉब अच्छी होती है, तो इसको समझने के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टेंडर रोल क्या होता है और कंपनी रोल क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा टेंडर रोल की। टेंडर रोल वो होता है जब आप लोगों को किसी फार्मा कंपनी में या फार्मा इंडस्ट्री में ठेकेदार के थ्रू या टेंडर के थ्रू जॉब मिलती है। अगर आप लोगों ने अपना कोई भी बैचलर कोर्स किया है या आप लोगों ने अपना कोई भी मास्टर कोर्स किया है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग ठेकेदार के थ्रू वहां पे गए हैं जॉब पाने के लिए या टेंडर के थ्रू आप लोग वहां पे जॉब पाने के लिए गए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनपरमानेंट टाइप की भी हम लोग इसको जॉब बोल सकते हैं या अनपरमानेंट रोल की भी हम लोग इसको जॉब बोल सकते हैं। मींस आप लोग वहां पे अगर टेंडर रोल पे जॉब करने गए हैं या आप लोगों को टेंडर रोल पे वहां पे जॉब मिली है, तो ये आप लोगों की एक अनपरमानेंट रोल की जॉब है और आप लोगों को उस इंडस्ट्री से या उस कंपनी से कभी भी वहां पे निकाला जा सकता है या आप लोगों की जॉब वहां पे छूट सकती है। तो फ्रेंड्स आप लोग जब वहां पे टेंडर रोल पे जाते हैं तो आप लोगों को वहां पे एक ऑथेंटिक प्रोसेस के थ्रू जॉब नहीं मिलती। आप लोगों को डायरेक्ट ऐसे ही ठेकेदार के रोल पे या टेंडर रोल पे आप लोगों को जॉब मिल जाती है और आप लोग उस इंडस्ट्री के एक परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते। और फ्रेंड्स आप लोगों का प्रमोशन भी वहां पे नहीं होता और आप लोगों की जो सैलरी होती है उसमें भी कोई इंक्रीमेंट नहीं आता और वो इंडस्ट्री जब चाहे तब आप लोगों को वहां से निकाल सकती है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग उस इंडस्ट्री को छोड़ के किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं या फर्दर स्विच करते हैं, तो वो एक इंडस्ट्री या वो एक फार्मा कंपनी आप लोगों को जो वहां पे जो आप लोगों का एक्सपीरियंस लेटर होता है वो भी नहीं प्रोवाइड कराती, क्योंकि आप लोग वहां पे टेंडर रोल पे होते हैं, आप लोग उस कंपनी के एक परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, उस कंपनी के आप लोग कंपनी रोल के एम्प्लॉय नहीं होते। तो ये एक बात हो गई टेंडर रोल की कि टेंडर रोल क्या होता है। और पिछले कई दिन से मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे फॉलोवर्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये पूछ रहे थे, ये क्वेश्चन कर रहे थे, एक क्वेरी थी उन लोगों की कि सर हम लोगों को ये बताइए कि टेंडर रोल क्या होता है और कंपनी रोल क्या होता है। तो कंपनी रोल को हम लोग इन अदर वर्ड्स परमानेंट रोल भी बोलते हैं और टेंडर रोल को हम लोग इन अदर वर्ड्स हम लोग उसको अनपरमानेंट रोल भी बोलते हैं। तो टर्मिनोलॉजी में आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और फ्रेंड्स आप लोग उस कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते अगर आप लोग टेंडर रोल में वहां पे जॉब करते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू आप लोगों को वो जॉब मिलती है वो एक ऑथेंटिक प्रोसेस नहीं होता। और फ्रेंड्स फिर आप लोग वहां पे कोई क्लेम भी नहीं कर सकते अगर आप लोगों के साथ में कुछ वहां पे अनवांटेड होता है, जो आप लोग नहीं चाहते अगर वो आप लोगों के साथ में वहां पे होता है। तो ये होता है टेंडर रोल। अब हम लोग बात करते हैं परमानेंट रोल की या कंपनी रोल की। फ्रेंड्स अगर आप लोग कंपनी रोल पे किसी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं या किसी फार्मा कंपनी या किसी फार्मा इंडस्ट्री के एम्प्लॉय होते हैं, तो वो कंपनी आप लोगों को सभी की सभी फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल कराती है। आप लोगों का वहां पे पीएफ भी कटता है और फ्रेंड्स आप लोगों को वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज भी वो जो फार्मा कंपनी है, फार्मा इंडस्ट्री है, वो प्रोवाइड कराती है अगर आप लोगों के साथ में वहां पे कोई घटना घटित हो जाती है। तो ये होता है एक परमानेंट रोल और ये होता है फ्रेंड्स वहां पे आप लोगों का आप लोग जो है वहां पे कंपनी रोल पे अगर आप लोगों को जॉब मिली है। तो फ्रेंड्स और जब आप लोग वहां पे जॉब करते हैं तो आप लोगों का वहां पे प्रमोशन भी होता है, और अगर उस इंडस्ट्री का, उस कंपनी का कोई एक ड्रेस कोड है तो फ्रेंड्स वो ड्रेस कोड भी आप लोगों को वहां पे मिलता है और आप लोग भी उसी तरह का ड्रेस पहन के वहां पे जाते हैं और आप लोग वहां पे एक प्रोफेशनल की तरह वर्क करते हैं। अगर आप लोग टेंडर रोल पे हैं तो आप लोग एक कैजुअल एम्प्लॉय की तरह वहां पे वर्क करते हैं और आप लोगों के अंदर एक डर बना रहता है कि कभी भी मेरी जॉब यहां से छूट सकती है, कभी भी ये लोग मुझे यहां से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग वहां पे कंपनी रोल पे हैं तो आप लोगों की सैलरी में वहां पे इंक्रीमेंट होगा और आप लोगों को जो कंपनी की या जो इंडस्ट्री की, जो फार्मा कंपनी की, फार्मा इंडस्ट्री की जो टर्म्स है और जो कंडीशंस है, जो पॉलिसी है, उन सभी टर्म्स, कंडीशन और पॉलिसी के थ्रू ही आप लोगों के साथ में वहां पे सभी चीजें होंगी। तो
तो फ्रेंड्स ये बात होती है परमानेंट रोल पे, अगर आप लोग वहां पे काम करते हैं और आप लोग वहां पे अगर उस कंपनी में एक कंपनी रोल पे आप लोग इम्प्लॉय हैं, तो फ्रेंड्स अगर वो कंपनी आप लोग फर्दर स्विच करके किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आप लोगों को वो कंपनी एक एक्सपीरियंस लेटर भी प्रोवाइड कराती है और फ्रेंड्स आप लोगों को आगे रिकमेंड भी करती है। और फ्रेंड्स बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट जो हैं बहुत सारी कंपनी में जाते हैं और वो लोग इसलिए वहां पे जाते हैं कि मुझे 1 to 2 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएगा और फिर मैं इस कंपनी से स्विच करके किसी दूसरी कंपनी में किसी दूसरी इंडस्ट्री में चला जाऊंगा और वहां पे फिर मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी। बट अगर वो लोग टेंडर रोल पे वहां पे जाके काम करते हैं तो उन लोगों को एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलता और फिर वो लोग वहां पे बहुत ही निराश हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, इन सभी चीजों को आप लोगों को अच्छे से समझना है और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इस टाइप की जो वीडियोज हैं वो चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आता हूं कि आप लोगों को अवेयर वहां पे कर सकूं, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी जो चीजें होती हैं आप लोगों के ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत ही वहां पे मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है उन लोगों को ये नहीं पता होता कि कंपनी रोल क्या होता है और जो टेंडर रोल है वो क्या होता है और वो लोग ऐसे ही वहां पे चले जाते हैं और फिर उन लोगों के साथ में वहां पे बहुत सारी अनवांटेड जो चीजें हैं वो होती हैं जो वो लोग कभी सोचते भी नहीं है। अगर वो लोग एक्सपीरियंस लेटर मांगते हैं एचआर में तो उन लोगों को एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलता, वो लोग सैलरी के लिए वहां पे कुछ बोलते हैं तो उन लोगों की सैलरी नहीं बढ़ती, उन लोगों की पोस्ट भी नहीं बढ़ती अगर वो लोग टेंडर रोल पे वहां पे काम करते हैं। तो अगर आप लोग किसी फार्मा कंपनी में या फार्मा इंडस्ट्री में एज अ फ्रेशर कैंडिडेट गए हैं या आप लोगों को इन सभी चीजों के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग फर्स्ट वहां पे ये क्वेश्चन जरूर करें एचआर में कि क्या मैं यहाँ पे परमानेंट रोल पे हूं या मैं यहाँ पे अनपरमानेंट रोल पे हूं, जिसको मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग कंपनी रोल पे हैं या आप लोग टेंडर रोल पे वहां पे हैं। तो ये सभी चीजें जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोग वहां पे 1 to 2 ईयर काम कर लेते हैं और आप लोगों को फिर पता चलता है कि मैं तो टेंडर रोल पे था तो फिर वो आप लोगों के लिए वहां पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है और आप लोगों को एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलता तो आप लोगों का वहां पे फिर फ्यूचर जो है वो ब्राइट होने के बजाय वो एक कलर डायरेक्शन में चला जाता है। और फ्रेंड्स बहुत सारे जैसे जो फार्मा कंपनीज होती है, फार्मा कंपनी में क्या होता है कि आप लोगों को मंकी की तरह वहां पे रहना पड़ता है। मंकी की तरह क्यों रहना पड़ता है, इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि अगर आप लोग एक ही कंपनी में एक ही जगह पर आप लोग रहेंगे तो कभी भी आप लोगों की सैलरी में उतना इंक्रीमेंट नहीं होगा। आप लोग मंकी की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे अगर आप लोग उछल कूद करते रहेंगे, आप लोग वहां पे छलांग मारते रहेंगे तो आप लोगों की सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा और आप लोगों की जो पोस्ट है या जो आप लोगों का वहां पे एक तरह से जो आप लोगों की जो इम्प्रूव होगा आप लोगों की लाइफ में, जो इम्प्रूवमेंट वहां पे होते हैं वो तभी होते हैं जब आप लोग उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में आप लोग स्विच करते हैं। तो फ्रेंड्स ये तभी होता है अगर आप लोग जो है एक ऑथेंटिक प्रोसेस को वहां पे फॉलो कर रहे हैं, अगर आप लोगों को सभी कुछ वहां पे पता है और फ्रेशर कैंडिडेट्स को ये सभी चीजें वहां पे पता नहीं होती। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेके या आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं तो प्लीज फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोग बेल आइकन के बटन को प्रेस वहां पे जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।